दो टॉपिक पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक होने वाला है कि आपके साथ कोई अच्छी ऊर्जा है या बुरी ऊर्जा है ना, कोई गुड एनर्जी है या कोई बैड एनर्जी है, नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है। दूसरी बात होने वाली है कौन सा मंत्र आपके लिए बेस्ट है, आप ये कैसे पता लगा सकते हैं, कौन सा मंत्र आपको सूट करेगा। इन दोनों टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। जय माता दी आप सभी को। यू आर वॉचिंग माँ आदिशक्ति मेडिटेशन केंद्र एंड हम सबके छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला टॉपिक अच्छी एनर्जी है बुरी एनर्जी है कैसे पता लगाएंगे। जब भी हम लोग जाप करते हैं बहुत बार नेगेटिविटी को खुद बा खुद अट्रैक्ट कर लेते हैं, या किसी के द्वारा कुछ नेगेटिविटी को भेजा जाता है, या फिर आप खुद अपनी गलतियों से चौराहे से या कहीं से भी आप गलत जगह पैर रख देते हैं और नेगेटिविटी को इनवाइट कर लेते हैं अपने घर। सबसे पहली बात तो ना मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले तरीका जब आप पहचानते हो कि आपके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है कुछ ना कुछ सही है, वो होता है स्वप्न। जब भी आपको कोई सपना आता है तो सपने को रिलेट करके देखें। बार बार अगर बुरे सपने आ रहे हैं इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, अच्छे सपने आ रहे हैं इसका मतलब अच्छा है सब कुछ, नॉर्मल सपने आ रहे हैं नॉर्मल है कोई दिक्कत नहीं है आपको, बुरे सपने आ रहे हैं समझ जाइए डेफिनेटली गड़बड़ है आपके साथ। दूसरी बात अंतरात्मा, जब भी आप बैठेंगे ना आपको अंदर से अगर घबराहट सी हो रही है, अंदर से महसूस हो रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, एनर्जी नहीं है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो आपकी अंतरात्मा आपके अंदर आत्मा भगवान का वास होता है, परमात्मा का एक अंश है वो, आपको अंदर से आभास जरूर होगा एक ना एक दिन कि आपके साथ कुछ गड़बड़ है। मेरे साथ बहुत से ऐसे लोगों ने मेरा स्कैनिंग कराई है जो आज तक नेगेटिविटी को मानते नहीं थे, बट जब मैंने उन्हें सिम्टम्स बताए उनके बारे में बताया तो वो शॉक हो गए कि यस अब मैं मानने डेफिनेटली लग गया हूँ। दस साल से नेगेटिविटी पहले नहीं मानता था बट अब मैं मानने लगा हूं क्योंकि जब मैंने रेमेडीज किए तो मुझे फर्क लगा एंड यस समथिंग इज रॉन्ग। ठीक है तो लोग मानने लगते हैं तो अंदर से आपको पता लगने लगता है। ठीक है तीसरी चीज होती है डार्क सर्कल्स आने लग गए हैं चेहरे पे बहुत ज्यादा, डल डल से होने लग गए हो, शरीर पतला होता जा रहा है, लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, सब गड़बड़ चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ लाइफ में अच्छा गड़बड़ सिर्फ नेगेटिविटी की वजह से होता है, बट हाँ चांसेस होते हैं कि अगर लाइफ में सब कुछ ही बुरा चल रहा है जहां पर भी जाओ तब भी बुरा हो रहा है तो नेगेटिविटी के कारण होता है, और जहां पॉजिटिविटी होती है वहां ऐसा नहीं। लेकिन हाँ परीक्षा चल रही है तो पॉजिटिविटी भी ऐसा बैंड आपका बजा सकती है, लेकिन बॉडी में दर्द बहुत रहता है, बॉडी भारी बहुत रहती है, पेट की समस्या है, फीमेल्स है तो पीरियड्स में दिक्कत है, नेगेटिविटी की प्रॉब्लम, इस बात का ध्यान रखो। पॉजिटिविटी कैसे पता लगा सकते हो, जब आप आंखें बंद करते हो ध्यान करते हो तो आपको अलग अलग चेहरों का दिखना, भगवान से इतना प्रेम हो जाना कि उनके मंदिर में जाके आंसू बहाना, भगवान के स्वप्न में दर्शन होना कभी कभी, या रोज हो रहे हैं तो और अच्छी बात है बट कभी कभी तो होते हैं, अपने आसपास कहीं ना कहीं खुशबू का महसूस होना भी पॉजिटिविटी को दर्शाता है। ठीक है इजीली से नजर नहीं लगती है आपका ऑरा स्ट्रांग है इसका मतलब, बहुत लोगों को उनके घर में या उनसे स्मेल आती है वो नेगेटिविटी के कारण होता है। जब किसी के घर में कोई नेगेटिव चीज तंत्र मंत्र किया जाता है तो वो गड़बड़ हो जाता है। आपको पता है एक बात बताता हूं, कभी भी आप किसी गलत जगह पर पैर रख दो अगर गलती से, सपोज आप चौराहा क्रॉस कर रहे हो आपने पैर रख दिया आप गलती से, अब आप क्या करोगे, सबसे पहले तो 3 बार आपको उसे बोलना होगा कि तुम जहां से आई हो वहीं जाओ, जहां से आई हो वहीं जाओ, जहां से आई हो वहीं जाओ। जब आप ऐसी प्रार्थना कर देंगे या बोल देंगे सिर्फ कमांड दे दिए प्रार्थना नहीं, तो वो आपके ऊपर अटैक नहीं करेगी, वो नेगेटिविटी जहां से आई हो वहीं चली जाएगी क्योंकि आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। ठीक है इस बात का ध्यान रखो एंड देन आप वहां से चले जाएंगे, यू विल बी सेफ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है तो इस प्रकार आप अपने परिस्थितियों से सिचुएशन से पता लगा सकते हो। दूसरी बात आप कैसे पता लगेगा कि कौन सा मंत्र आपको सूट कर रहा है कौन सा नहीं, देखो मैं हमेशा ये कहता हूं कि सबसे पहले ना मंत्र को जपना शुरू करो, सपोज ओम नमः शिवाय का आप जाप करते हो पता लगाना ये मंत्र सूट कर रहा है नहीं, तो आप करना शुरू करो उस मंत्र को, शुरुआत में कम करो थोड़ा और करो थोड़ा और करो, अब महसूस करके देखो कि क्या कुछ कुछ महसूस होने लग रहा है, अच्छी फीलिंग आ रही है ना, मन अच्छा कर रहा है, जपने का बार बार मन कर रहा है, फीलिंग अच्छी आ रही है, एक पॉजिटिविटी महसूस हो रही है, तो मतलब ये मंत्र आपके लिए बढ़िया है। हाँ देखो कुछ समय बाद अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा मन नहीं है मंत्र जाप में नहीं लग रहा है तो वो परीक्षा के कारण भी होता है, कुछ समय बाद मन नहीं करता जाप करने का, आप मुझे कॉमेंट में बताना किस किस को ऐसा महसूस हुआ है। लेकिन ऐसा है कि शुरुआत में करने का ही मन कर रहा है, कुछ एनर्जी नहीं महसूस हो रही तो कुछ गड़बड़ है। देखो बिल्कुल ही बिगनर हो तो थोड़ा समय लगता है,
ठीक है, तो थोड़ा समय करके देखो पता लगेगा। कोई भी नया मंत्र अगर शुरू करते हो तो लाइट वर्जन से शुरू करो और उसकी एनर्जी को महसूस करना शुरू करो। जब महसूस हो रही है, अच्छा लग रहा है, इसका मतलब वो आपको मंत्र सूट कर रहा है। इस प्रकार आप पता लगा सकते हैं। मंत्र जपेंगे, बॉडी आगे पीछे होना, थोड़ी थोड़ी वाइब्रेशन होना, बॉडी में रोंगटे खड़े होने जैसा महसूस हो सकता है, स्वप्न दर्शन हो सकते हैं, पॉजिटिविटी से महसूस होती है, करंट सा महसूस हो सकता है, सर के ऊपर ऊर्जाओं का महसूस हो सकता है, बहुत सारे सिम्टम्स दिखाती है बॉडी, उनको समझो। बहुत सारे लोग जब मुझसे स्कैनिंग कराते हैं, मैं बताता हूँ आपके साथ हनुमान जी की एनर्जी है, और एक की तो मैंने भी हनुमान जी की एनर्जी बताई, उनके पंचमुखी रूप बहुत सारे, उनके हाथ गोल्डन कलर की, इतनी प्यारी एनर्जी थी उनकी, मैंने उन्हें बताया तो वो बहुत खुश थे, उन्होंने बताया कि वो उन्हें भी यही स्वरूप के दर्शन भी हुए और ऐसा ही स्वरूप उन्होंने अपने मंदिर में रखा हुआ। तो कभी कभार जिन चीजों को आप देखते हो उन्हीं चीजों को आप आकर्षित भी करते हो। तो अगर आपको भी ऑरा स्कैनिंग करानी है, मेडिटेशन क्लासेस में जुड़ के मेडिटेशन को और अपलिफ्ट करना है, एलिमेंट्स के बारे में सीखना है, ध्यान में कैसे गहराई में जाए, एस्ट्रल ट्रेवल कैसे करें, दिव्य दृश्य से देखते कैसे, सब कुछ सीखना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। साथ ही में किस किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। डेफिनेटली जो भी मेरे को टॉपिक्स अच्छे लगेंगे मैं सिलेक्ट करूंगा, उन पर वीडियोस बनाऊंगा। जय माता दी, आप सभी को मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।